आज मैं आपके लिए हेयर फॉल के लिए जो आपके बाल झड़ते हैं गिरते हैं, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि दी मुझे ये बताओ कि हमारे बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ते हैं बहुत गिरते हैं, उसका कोई इफ़ेक्टिव जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो वैसे कोई रेमेडी बताओ। तो मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा जो बिल्कुल ज़बरदस्त है रेमेडी है, इतना इफ़ेक्टिव है कि फर्स्ट यूज़ से ही किसी किसी को फर्स्ट यूज़ से ही इसके रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे और किसी किसी को 2 या 3 टाइम्स यूज़ करेंगे तो आपके जो रिज़ल्ट है वो दिखने शुरू हो जाएंगे। आपके किसी भी टाइप का जो आपका हेयर फॉल हो, चाहे आपको से या किसी भी प्रॉब्लम से आपके हेयर फॉल हो रहे हैं बाल झड़ते हैं, तो वो सारे जो है किसी भी टाइप के जो आपके हेयर फॉल होते हो वो एक रेमेडी में ये लेके आई हूँ। इससे आपके सारे जो हेयर फॉल हैं वो बिल्कुल बंद हो जाएंगे झड़ने। आप 1 हफ्ता इसे यूज़ करोगे आपके धीरे धीरे कम हो जाएगा और धीरे धीरे रेगुलर यूज़ से आपके बिल्कुल ही हेयर फॉल जो बिल्कुल बंद हो जाएगा। आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे भी कि आपको कितना इफ़ेक्ट किया है, कितना इफ़ेक्टिव है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसे कैसे बनाना है और क्या चीज़ है ये। छोटे 2 गिलास मैं पानी डाल रही हूँ इसमें, छोटे 2 गिलास डाल रही हूँ मैं। आपकी जितनी भी लेंथ है हेयर की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें पानी ले सकते हैं, उतना ही आपने बनाना है। मैंने ये छोटे 2 गिलास से लिया है पानी, 2 गिलास पानी लिया है मैंने। आप चाहे तो अपने हेयर के अकॉर्डिंग ले सकते हैं जितना आपने पानी लेना है। और जब इसमें बॉयल हो जाए, थोड़ा बॉयल आने लगे, उबाल आने लगे, तो इसमें हम चाय पत्ती डालेंगे, जो टी फ्लेक्स होती है वो डालेंगे। आप कोई भी ब्रांड की चाय पत्ती ले सकते हैं, लेकिन ये प्रीमियम होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी की जो चाय पत्ती होनी चाहिए। और मैंने इसमें 2.5 चम्मच जो है वो चाय पत्ती ली है मैंने। आप अगर 1 गिलास लेते हैं तो उसमें 1 से 1.5 चम्मच चाय पत्ती डाल सकते हैं आप। और इसे जब ये बॉईल करना है हमने 10 मिनट तक, ये बॉईल आ जाए। बॉईल होने के बाद जब ये पानी आधा रह जाएगा तब तक हम इसे बॉईल करेंगे। तो देख सकते हैं आप, ये बॉईल हो गया है, बिल्कुल हाफ रह गया है जब ये वाटर, तो इसे हम बंद कर देंगे। और फिर इसे ठंडा हो जाएगा, थोड़ा ठंडा होने के बाद फिर इसे छान लेंगे, उसके बाद लगाएंगे। अब ये थोड़ा ठंडा हो गया है, इसे छान लेते हैं, उसके बाद ये मैं आपको लगा के दिखाऊंगी कि इसे कैसे अप्लाई करना है हेयर में। तो ये है वो रेमेडी, आपने देख लिया हो कैसे बनाना है इसे। इसे आपने ऑयल की तरह ही लगाना है जितना है, इसे आपने वीक में 3 टाइम तो यूज़ करना ही करना है। और इसे लगा के आप नॉर्मल पानी से इसे वॉश कर सकते हैं, किसी शैम्पू या कंडीशनर से वॉश नहीं करना है। नेक्स्ट डे बेशक आप कर सकते हैं शैम्पू से वॉश। तो मैं इसे आपको लगा के दिखा देती हूँ कि फिंगर से ही लगाना है। इसे अप्लाई करने के बाद आप इसे हेयर में 30 से 40 मिनट तक तो छोड़ सकते हैं एटलीस्ट, और या तो आप 1 आवर तक भी इसे ऐसे रहने दें। 1 आवर के बाद आप इसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर सकते हैं। पहले स्कैल्प में इसे लगा ले, उसके बाद फिर इसे लेंथ में लगाना है। आप इसे इन्वर्जन मेथड में यूज़ करेंगे, अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। इन्वर्जन मेथड में क्या होता है, जो कि आपको हेड जो है नीचे की तरफ करना है आपको, और उसके बाद फिर ये अप्लाई करना है सारा, आपके पहले स्कैल्प में करना है, उसके बाद जो बच जाए रिमेनिंग उसको आपने पूरे हेयर पे करना है, हेयर की लेंथ पे करना है। मैं आपको किसी की हेल्प से पूरा लगा के फिर दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने सारे पूरे हेयर में लगा लिया है, लेंथ में भी लगा लिया है। अच्छे से इसे लगा लें स्कैल्प में, सारे सारे स्कैल्प में लगा लें, इससे आपके जो रूट्स हैं वो सारे मजबूत करेगा, वो जो जड़ें हैं उनको मजबूत करेगा। जितने भी आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम है वो बहुत बिल्कुल दूर कर देगा, हेयर फॉल आपके बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और जो आपका अगर ग्रेश हेयर है वो आपके जो हेयर हैं वो ब्लैक दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, ब्लैक होने स्टार्ट हो जाएंगे बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और इसे ट्राई ज़रूर करें। ट्राई करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं इसका फीडबैक कि आपके हेयर पे इसका क्या इफ़ेक्ट आया है।
आप मुझे ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए, मैं किसी नई वीडियो में मिलती हूँ किसी नई चीज़ के साथ। टिल देन।